What's up everyone? Welcome back to the channel. अब अकाउंटेंसी को आगे बढ़ाते हैं. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को P&L appropriation, partners capital account और करंट अकाउंट के बारे में समझाया था. आज हम लोग appropriation की कुछ आइटम्स को ध्यान से समझते हैं और उन पर रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो हम आज कवर करके चलते हैं. तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के साथ कुछ अपने और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. लेट्स बिगिन. तो शुरू करते हैं गाइस. हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ. देखो यार, हमने लास्ट क्लास में P&L appropriation का फॉर्मेट बनाया था. मैं शॉर्ट में बना रहा हूं दोबारा से. P&L appropriation अकाउंट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, फर्म के जितने भी खर्चे होते थे वो सब इधर आ जाते थे और जितनी भी इनकम्स होती थी वो सब इधर आ जाती थी. तो हमने स्टार्ट करा यहाँ पे प्रॉफिट्स के साथ कि फर्म को जितने भी प्रॉफिट हुए वो हम यहाँ लिख देंगे. फिर जो इनकम होगी दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो हम यहाँ लिख देंगे. अलग अलग पार्टनर के अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. उसके बाद डेबिट में हम सभी एक्सपेंसेस लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद कोई भी सैलरी, कोई भी बोनस, कोई भी कमीशन, उसके बाद हमने जो पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना है वो, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. अब ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? इस प्रॉफिट को बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट्स. इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट्स. अब आज की इस क्लास में हम देखते हैं कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस तरीके से सैलरी बोनस कमीशन निकालना है जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, वेरी सिंपल, बहुत आसान. जैसे हमने बोला कि ये फर्म है, दिस इज अ फर्म, और फर्म में चिंटू ने पैसा लगाया, दो चिंटू लेके चलना. ठीक है, समझाने के लिए मैं एक ले रहा हूं लेकिन पार्टनरशिप है तो दो मान के चलना. चिंटू ने यहां पे कैपिटल लगाया और चिंटू बोलता है कि ये जो मैंने कैपिटल लगाया है इस पे मुझे इंटरेस्ट दो, गिव मी इंटरेस्ट. इस इंटरेस्ट को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो फर्म को तो देना पड़ेगा, फर्म का खर्चा हो गया. अब कैसे कैलकुलेट करें? देखो इस चीज को ऐसे समझो, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग मानते हैं कि ये हमारा पूरा साल है, दिस इज अवर ईयर, जो कि 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2020 को खत्म होगा. करेक्ट, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, तो 12 महीने होंगे. ये पूरा अप्रैल का, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, यहाँ से हो गया. देखो ये अप्रैल पूरा, 1 अप्रैल से चालू हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल चिंटू ने यहाँ पे 1 अप्रैल पे 5 लाख रुपीज फर्म में इन्वेस्ट कर दिए एज अ कैपिटल. 5 लाख रुपए कैपिटल के रूप में इसने फर्म में लगा दी. अब क्या होगा, ये जो कैपिटल है ये यहाँ से लेके यहाँ तक फर्म इसको यूज़ करेगी, शुरू से लेके एंड तक, पूरे साल तक इसको यूज़ करेगी. तो जब यहाँ पे ये साल ख़त्म होगा एट दिस डेट 31 मार्च, चिंटू बोलेगा कि हाँ फर्म सुनो मेरी बात, तुमने पूरे साल मेरे कैपिटल को यूज़ करा है, मुझे इस कैपिटल पे इंटरेस्ट दो. किस परसेंट के हिसाब से वो आपको क्वेश्चन बताएगा, मैं अज्यूम कर लेता हूँ 10% पर एनम के हिसाब से वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने परसेंट के हिसाब से. अगर गिवन नहीं होगा, डीड नहीं है तो नहीं देना, रूल बताया था ना, कोई इंटरेस्ट नहीं देना अगर मेंशन नहीं है, राइट. अब आपको 10% पर एनम मेंशनड है तो आप सोचो कि यहाँ पे तो ये पूरा साल इन्होंने यूज़ करा इसका कैपिटल, तो अगर पूरा साल यूज़ करा तो कितने टाइम का इंटरेस्ट बैठेगा पूरे साल का? तो मैं बोलूँगा 5 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना निकाल दिया हमने, 50,000 रुपीज. वेरी सिंपल केस नंबर वन. अब अगर इसको थोड़ा सा टिपिकल बनाना हो तो क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि उसने साल के बीच में कुछ पैसा निकाल लिया, कुछ पैसा निकाल लिया, निकाल भी सकता है ऑब्वियस सी बात है, या फिर और पैसा लगा दिया, इंट्रोड्यूस भी कर सकता है ऑब्वियस सी बात है, सही. तो चलो पहला हम केस लेते हैं कि उसने पैसा और लगा दिया, ऐसा मान लेते हैं. केस नंबर सेकेंड,
अब मैं केस नंबर सेकंड में आपको बोल रहा हूँ कि उसने साल के शुरू में ये 5 लाख रुपीज लगाए, ठीक है, 6 महीना पूरे होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स ही इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 5 लाख. क्या बोला मैंने? ही स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख ऑन 1st April. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स ही फर्दर इंट्रोड्यूस्ड 5 लाख, यानी कि उसकी जो कैपिटल है वो यहां से लेके 1 महीना 2 महीना 3 4 5 6 यहां तक, ये देखो ना 1 2 3 4 5 6 6 महीने तक तो यही रही 5 लाख. जैसे ही ये 6 मंथ्स पूरे हुए, जैसे ही ये 6 महीने पूरे हुए, उसने 5 लाख और लगा दिया. तो मुझे बताओ, शुरू से कुछ पैसा था, यहां पे आके उसने कुछ और लगा दिया, तो क्या यहां पे आके उसकी कैपिटल अब 10 लाख नहीं हो गई? सोचो भाई, 5 लाख तो शुरू से लगाया हुआ था, यहां आके 5 लाख और लगा दिया, तो अब कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख. अब इसको ऐसे समझो कि अगर ये फर्म ना होके बैंक होता, तुमने बैंक में पैसा जमा करा यहां पे 5 लाख, तो बैंक आपको इस 5 लाख पे इंटरेस्ट दे रहा होता. आपने 5 और जमा कर दिए, तो भाई जो और जमा करे उस पर भी तो अब इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक इस टाइम पीरियड में जो हमारे पास इंटरेस्ट बैठ रहा है वो बैठ रहा है 5 लाख पे, ठीक है. लेकिन 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 मंथ्स तक, उसके बाद 5 लाख पे नहीं, इससे ज्यादा पे. ज्यादा पे क्यों? क्योंकि पैसा और लगा दिया. अब यहां पे इसने और लगा दिया, तो यहां से लेके यहां तक ये जो अगले वाले 1 2 3 4 5 6 मंथ्स है, इस पे कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा? 10 लाख पे. सर ऐसा क्यों, 10 लाख पे क्यों मिलेगा? अरे भाई, 5 तो आपने पहले से लगाए हुए थे, उस पे तो मिलेगा ही मिलेगा. जो आपने 5 और लगाए उस पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा. तो यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो होगा पहले तो 5 लाख पे कितना परसेंट? 10%. और हाउ मेनी मंथ्स? देखो, अगर 6 मंथ्स हैं तो टोटल 12 होते हैं ना, 12 में से कितने? 6 महीने का. 4 होते तो 12 में से 4 महीना, 4/12 कर देता. इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. 5 लाख पे 10% 50,000, 6 मंथ्स 25,000. शुरू के 6 मंथ्स का इंटरेस्ट तो ये हो गया. उसके बाद जो इसका कैपिटल है वो 5 नहीं रहा, कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख. 10 लाख पे वही 10% और कितने मंथ्स? अगले वाले 6 मंथ्स. तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख पे 10% 1 लाख और 6 मंथ्स 50,000. तो इनिशियल 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ये, अगले 6 मंथ्स का ये, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 75,000 रुपीज का इंटरेस्ट बैठता है. इस तरीके से अगर साल के बीच में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ऐसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हो, ठीक है. अब केस 3 लेते हैं. केस नंबर 3. केस 3 में क्या होता है सर? केस 3 में ये होता है कि हमारे पास वो कैपिटल को विड्रॉ कर ले. विड्रॉ करने का मतलब कुछ पैसा निकाल ले. जैसे अभी तक तो क्या हुआ था, इसने 5 लाख यहां पे और लगाए थे, इंट्रोड्यूस करे थे, अब उसने विड्रॉ कर लिया. तो विड्रॉ करने के लिए क्या करना है, देखो. अब मैं ये सब हटा रहा हूं क्योंकि हमें दोबारा से समझनी है चीजें. ये सब हटा देते हैं, चलो जी. अब क्या हो रहा है, फिर से वही केस लेते हैं कि शुरू से उसने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे. अब इस बार आ गया आपके पास, आफ्टर द एंड ऑफ 9 मंथ्स उसने उसमें से 2 लाख विड्रॉ कर लिए. आफ्टर द एंड ऑफ 9 मंथ्स, अब 9 महीने बाद उसने 2 लाख विड्रॉ कर लिए. घर पे जरूरत पड़ गई होगी, निकाल लिया पैसा, तो अब कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आएगा, आओ समझते हैं. 9 महीने बाद निकाला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक, इन 9 महीने तक तो कैपिटल सेम रहेगा. तो यानी यहां से लेके यहां तक 9 महीने तक उसकी कैपिटल यही रहने वाली है, 5 लाख. उसके बाद उसने यहां पे आके 2 लाख निकाल लिया. अगर 2 लाख निकाल लिया तो अब कैपिटल में प्लस करूं या माइनस करूं? पैसा निकाल के घर ले गया तो माइनस करो. 5 माइनस 2 कितना बचेगा? 3 लाख. तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए जो इंटरेस्ट आएगा वो कौन सी कैपिटल पे आएगा? इस पे आएगा. भाई जब 5 लाख कैपिटल नहीं रहा तो फर्म इंटरेस्ट क्यों देगा 5 लाख पे? अगर तुम ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो ज्यादा पे देता है, निकाल लेते हो तो जो बचेगा उसी पे तो देगा. तो इस बार इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? इस बार केस 3 में हम बोलेंगे भाई 5 लाख पे 10% एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 9 मंथ्स, शुरू के 9 महीने के लिए कितना आएगा जी? 5 लाख का 10% हमारा 50,000,
और 9 months का इफ आई एम नॉट रॉन्ग 37,500. ये कैलकुलेशन चेक कर लेना आप प्लीज बेटा जी एक बार. 5 lakh का 10% और 9 months, ठीक है. और उसके बाद कैपिटल कितनी हो गई उसकी, 3 lakh हो गई, क्योंकि वो 2 lakh निकाल चुका है. तो 3 lakh पे 10% एंड 3 months, 3 lakh पे 10% 30,000 और 3 months का हो जाएगा 7,500. एक बार मैं कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ. 3 lakh पे 10%, 3 lakh पे 10% और 3 months 7,500. यस. तो हमारे पास जो टोटल इंटरेस्ट आएगा इस बार पूरे साल का 37,45,000. इस तरीके से IOC कैलकुलेट होता है अलग अलग केसेस में. कभी पैसा बढ़ाया जा रहा है, कभी पैसा विड्रॉ करा जा रहा है, ऐसे निकालते हैं, ठीक है. अब मैं तुम लोग को एक सिचुएशन और दिखाता हूँ, केस नंबर 4 और इम्पॉर्टेंट केस. केस नंबर 4, दिस इज सावधान इंडिया सवाल, ठीक है. अब हम लोग कंसिडर करते हैं, फिर से एक पूरा साल बनाते हैं, ठीक है. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, यहाँ तक ले लो. चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है जी. पूरा हो गया या नहीं हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, ये हमारा पूरा साल हो गया, ठीक है. अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, एक चिंटू और एक चिंटी. एक चिंटू और एक चिंटी. चिंटू ने लगाए साल के शुरू में 4,80,000, 4,80,000 यहां पे, और चिंटी ने लगाए 5,40,000. 4,80,000 और 5,40,000, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, PSR का मतलब होता है कि ये प्रॉफिट्स कैसे बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो बराबर है, इक्वल, 1:1, ये इक्वल है, ठीक है. क्वेश्चन क्या है जी, साल के शुरू में इतना इतना पैसा लगा दिया 480 चिंटू ने, 540 चिंटी ने, साल के शुरू में, बिल्कुल बिगिनिंग में. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 1:1 है, सही है जी. 1 अक्टूबर पे दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 10 lakh ईच. ऑन 1 अक्टूबर, पहले अक्टूबर पे, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर छोड़ो, यहां पे बिल्कुल बिगिनिंग में, अरे भाई, अक्टूबर के स्टार्टिंग में दे डिसाइडेड दैट देयर टोटल कैपिटल शुड बी 10 lakh कॉन्ट्रीब्यूटेड By both equally. इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, contributed by both equally, ठीक है. चलो इसका क्या मतलब है, अब समझने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन ऐसा आया कि चिंटू एंड चिंटी 2 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर है. चिंटू ने लगाए शुरू में 480, चिंटी ने लगाए 540. तो फिलहाल कितना पैसा लगा हुआ है, काउंट करो जरा. 480 और 520 का अगर हम टोटल कर दें, इसका अगर हम टोटल कर दें तो कितना बैठता है, 480 एंड 540, 10,20,000 बैठता है. ये फिलहाल इनका टोटल कैपिटल है भाई, जिन्होंने जितना पैसा लगाया हुआ है वो टोटल है. लेकिन वो 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को, यानी कि इनिशियली अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन 6 months तक तो कैपिटल यही है, इन 6 महीने तक तो कैपिटल यही है. 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड करा कि सर टोटल कैपिटल 10 lakh होनी चाहिए. यहाँ पे जो इनकी कैपिटल है, दिस शुड बी 10 lakh, और वो 10 lakh भी कैसे होनी चाहिए, दोनों ने बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करा हुआ हो. बराबर बराबर का मतलब क्या होता है, 5 lakh चिंटू का और 5 lakh चिंटी का, इस तरीके से होना चाहिए, 5 lakh बाय चिंटू, 5 lakh बाय चिंटी, ठीक है सर. इसको कैसे एडजस्ट करें, अब देखो 5 lakh चिंटू का होना चाहिए. चेक करो चिंटू ने पैसा कितना लगाया हुआ था, चिंटू ने लगाया हुआ था 480. अगर चिंटू ने 480 पहले से लगाया हुआ है तो क्या चिंटू 20,000 और इंट्रोड्यूस कर दे, 5 lakh हो जाएगा. तो चिंटू क्या करेगा, 20 और इंट्रोड्यूस कर देगा. तो यहां पे जो हम चिंटू की कैपिटल लेंगे उसको लेंगे 5 lakh, क्योंकि चिंटू यहां पे 20,000 और लगाएगा. उसका कहां इंपैक्ट आता है वो हम बाद में क्वेश्चन में देखेंगे, फिलहाल हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं. कैसे इंट्रोड्यूस होती है, कैसे विड्रॉन होती है वो आगे सीखेंगे, फिलहाल तो यह है कि इंटरेस्ट कैसे निकलेगा. जब यहां ये 20 और डाल देगा इसमें
तो 5 लाख हो गया या नहीं हो गया? चिंटी का फिलहाल 540 है, होना कितना चाहिए? 5 लाख होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई? फिलहाल 540 है, होना चाहिए 5 लाख। तो क्या चिंटी को 40,000 निकालने पड़ेंगे? चिंटी 40 निकाल के घर ले जाएगी, ठीक है। तो चिंटी का भी कितना हो जाएगा यहाँ पे? चिंटी का भी 5 लाख हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट बैठेगा चिंटू का, वो शुरू के 6 महीने तो देंगे इस 480 पे, शुरू के 6 महीने, अगले 6 महीने में उसे देंगे 5 लाख पे, क्योंकि उसने 20 और लगा लिया, उनकी कैपिटल बराबर बराबर 5-5 लाख होनी चाहिए थी ना। चिंटी को शुरू के 6 मंथ्स के लिए देंगे इस 540 पे, फिर वो 40 निकाल के घर ले गई तो उस फिर देंगे 5 लाख पे। समझे या नहीं समझे? चलो देखो जरा, चिंटू का जो इंटरेस्ट बैठेगा, चिंटू का IOC पहले 6 महीने के लिए तो 480 पे, 10% अज्यूम करके चल रहा हूँ, 480 पे 10% और 6 मंथ्स, और अगले 6 महीने के लिए उसने क्योंकि 20 और डाल दिए, 5 लाख पे 10% और 6 मंथ्स। तो 480 पे 10% 6 मंथ्स, 480 पे 10% और 6 मंथ्स, 24,000 तो ये बैठेगा, और 5 लाख पे 25,000 बैठेगा। तो टोटल इंटरेस्ट चिंटू का कितना बैठ गया? 25 and 24, 49,000। बात करते हैं चिंटी का, चिंटी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चिंटी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठेगा 5,40,000, क्योंकि उसने इनिशियली 540 लगाए हुए थे ना। देखो शुरू में कितना पैसा लगाया हुआ था? 540, 6 महीने बाद चेंज हो रहा है, तो 540,000 10% और 6 मंथ्स, और उसके बाद हम वो 40 घर ले जाएगी क्योंकि 5 लाख करना है, तो 5 लाख पे 10% और 6 मंथ्स। इस तरीके से आप इंटरेस्ट निकाल दो, 540 पे 10% 6 मंथ्स, 540 पे 10% और 6 मंथ्स, 27,000, और 5 लाख पे तो ये है ही सेम 25,000। तो इसका जो इंटरेस्ट बैठेगा वो बैठेगा 52,000 इस तरीके से। तो ये हो गया चिंटी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऐसा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं जिसमें जो कैपिटल है वो साल के बीच में चेंज हो रही हो या इस तरीके से कुछ हो रहा हो। तो ये होता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक क्वालिटी क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, और इसी तरीके का सवाल आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बनेगा अगर कैलकुलेट करने के लिए आएगा। बड़े क्वेश्चंस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप ध्यान से करेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखो हम कभी भी कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम हमेशा ओपनिंग से देख रहे हैं कि शुरू से कितनी कितनी कैपिटल लगी हुई है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, ठीक है ना। जैसे सपोज मैं मान के चलता हूँ कि हमारा ये साल है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। अब लेट सपोज किसी ने बिजनेस स्टार्ट ही 1 जनवरी को करा, अगर किसी ने बिजनेस 1 जनवरी को स्टार्ट करा, यहाँ पे स्टार्ट करा, तो बिजनेस इस साल में सिर्फ 3 महीने चला है, तो जो इंटरेस्ट बनेगा वो 3 महीने पे बनेगा, क्योंकि कैपिटल यहाँ पे जो लगाई है भाई 3 महीने ही तो रही, ये ओपनिंग कैपिटल है। तो आपको डेट का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे कि कैपिटल कब लगी है। अगर सपोज किसी ने यहाँ पे स्टार्ट किया, अब काउंट कर लो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मंथ्स का, किसी ने यहाँ पे स्टार्ट किया तो 8 और 9, 9 मंथ्स का। तो जहाँ से बिजनेस चालू करा है वहाँ से जहाँ पे ईयर एंड हो रहा है वहाँ तक का आपको इंटरेस्ट देना है, ये बात ध्यान रहेगी। और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप बुक्स बनाते हो फर्म की, करेक्ट। तो IOC में यही सारे क्वेश्चंस आ सकते थे। अब हमारे पास सैलरी से भी कुछ आ सकता है क्या? दूसरी चीज क्या है? सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, सैलरी में कुछ भी नहीं है यार। सैलरी में क्या है, कुछ केसेस बन जाते हैं, जैसे केस 1 ऐसा लिख दिया, सैलरी इज 1,000 रुपीज PM, PM क्या होता है? पर मंथ। या फिर ऐसा लिख दिया 1,000 रुपीज PQ यानी पर क्वार्टर, या फिर ऐसा लिख दिया 1,000 पर हाफ ईयर, ठीक है, और ऐसा लिख दिया 1,000 रुपीज
पर एनम, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ केसेस बनते हैं। सपोज ऐसा लिखा है 1000 पर मंथ, हर महीने 1000, तो 1000 साल में कितने महीने, 12 महीने, 12000 की सैलरी बैठ जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा कि बिजनेस कितना टाइम चला है। सपोज बिजनेस ही 3 महीने चला हुआ तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हर महीने पर मंथ 1000 है। यहाँ छोटी छोटी चीजें हैं, नंबर कटते हैं, 1000 × 12, 12000, ठीक है। 1000 पर क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर वो चीज होती है जो किसी भी साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है। तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं और हर क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, ओके। तो आपको अगर पर क्वार्टर दिया है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 4000। हाफ ईयर का मतलब दो बार, हाफ आधा साल, ठीक है, आधे साल के 1000, तो 1000 × 2, 2000। और ये तो पर एनम ही है, पर एनम का मतलब पूरे साल की 1000 ही है। तो इस तरीके से आपके पास सैलरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर हाफ ईयर, पर एनम, सही है जी। सैलरी पे बेस बस यही बनता है और कुछ नहीं बनता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जितने बढ़िया क्वेश्चंस थे या सिंपल क्वेश्चंस थे, मैंने सारे करा दिए आप लोगों को, ओके। तो हमने P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट, ये आपको हमेशा गिवन होगा, ये हमने आज सीख लिया, ये हमने आज सीख लिया। रिजर्व में ऐसा कुछ सीखने वाला नहीं है, बस अब बचा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना, और उसके बाद फिर हम लोग बड़े क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्टली, कोई टेंशन ही नहीं है। आज का होमवर्क क्या है, चाहे आप DK फॉलो करते हो, चाहे आप TS फॉलो करते हो, चाहे आप सिर्फ NCERT फॉलो करते हो, तो आप लोग को सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करने वाले सारे क्वेश्चन ट्राई करके देख लेने, चाहे अनसॉल्व हो चाहे सॉल्व हो। जहां पे भी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा आ रहा है वो ट्राई करो, अपने हाथ से निकाल लो, मैं 100% श्योर हूँ तुम लोग कर पाओगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं और कल डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट। तो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।